क्वेश्चन 5। इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इसमें भी क्या है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल। इसमें भी हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। बस पिछले क्वेश्चन में क्या था कि हमें जीरोस दे रखे थे, ठीक है। इस बार क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरो दिया हुआ है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, ठीक है। और अब हमें क्यूबिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है, यानी हम लिख लेते हैं, इस बार अल्फा बीटा गामा नहीं दिया हुआ है। ये जो 5 है ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, यानी अल्फा प्लस लेट अल्फा बीटा एंड सॉल्यूशन बना रहे हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हो गया 5, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इसका वैल्यू हो गया -2 और अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है -24, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलीनोमियल ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहां पे आ जाएगा एक्स, और माइनस अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है 5, एक्स स्क्वायर प्लस इसके जगह पे हो गया -2x और माइनस अल्फा ये हो गया -24, ये बन गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर -2x और ये हो गया +24। तो बस यही था हमारा रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, ठीक है, यही हमें फाइंड करना था, फाइंड अ क्यूबिक पॉलीनोमियल, ये मिल गया।